भिमंडी में भारी बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हम आपको लेकर चल रहे हैं कई इलाकों में दृश्य दर्शाने के लिए। सबसे प्रमुख आगरा रोड हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जल जमाव के कारण वहां पर जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, लोगों को आने जाने में तकलीफ हो रही। वहीं पर भाजी मार्केट मंडई में जो हालात है वो दर्शा रहे हैं। खैर, कामावरी नदी का भी दृश्य हम आपको दर्शाना चाहेंगे और कई इलाकों में जो पानी भरा हुआ है उसका दृश्य दर्शा रहे हैं। यह सब महानगर पालिका की भारी लापरवाही, नाले की साफ सफाई न होने के कारण ये जल जमाव हुआ है। यहाँ पर जल जमाव कभी नहीं हो रहा था, लेकिन इस वर्ष लोगों ने आरोप लगाया कि महानगर पालिका जिस तरीके से नाले सफाई में कोताही बरती है, उसी का खामियाजा हम और आप भुगत रहे हैं। तो चलिए, हम आपको लेके चल रहे हैं कई इलाकों के दृश्य दर्शाने के लिए, जहाँ पर जल जमाव के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्कूली बच्चों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई घरों में और कई दुकानों में पानी भर गए। यानी कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि महानगर पालिका की इस लापरवाही को लेकर के शहरी अभी भी दहशत में है, क्योंकि बादल की आंख मिचोली जो चल रही है आसमान में, उसको देख करके लोग और बॉम्बे के तरफ जाने वाला रोड है, मेन आगरा सिटी हॉस्पिटल बाजू में हॉस्पिटल है, बाजू में स्कूल है, जैन मंदिर है। यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ सोसाइटी है, जलाराम कंपाउंड सोसाइटी और सिरंग कॉम्प्लेक्स जाने वाला रास्ता, सिरंग नगर में पीछे जाने वाला प्रभाग समिति 3 का एरिया है। तो यहाँ पर हर साल इसी तरह से, चलो पिछले साल तो थोड़ा पानी भर के निकल जाता था, साफ सफाई हुई, अगर इस बार ऐसा महानगर पालिका के कोई कर्मचारी, महानगर पालिका का कोई अधिकारी, अभी फिलहाल नए आयुक्त आए, उनको भी पता नहीं कि ये वार्ड का क्या परिस्थिति है। अभी ये वार्ड नंबर 16 है, ये वार्ड नंबर 16 के चारों अभी जो नगर सेवक है और प्रभाग अधिकारी है, वो लोग ने भी दखल दिया नहीं अभी तक। तो यहाँ ये पूरा गटर लाइन मेन लाइन दिया, यहाँ पे मेन लाइट जुड़ता है बड़े गटर का, तो वहाँ पर साफ सफाई अभी तक हुआ ही नहीं और हो रहा भी नहीं। अभी मैं ये बोलूँगा कि इतना GST लागू किया, इतने सब कायदा कानून लगाए, इधर ट्रांसपोर्ट है, दुकान है, टाके का ये उनका टाके का घाटा हो गया है और होटल से धंधा है, सब चीज़ है, हर चीज़ का पूरा बंद बंद हो गया और मेन रोड आगरा कितना तकलीफ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सब गाड़ियों के मेन रोड आगे जाने वाला, अभी ये सब चीज़ के लागू है तो ये क्यों नहीं कर रही है? आज घर पट्टी वसूल रही है, नल पट्टी वसूल रही है, सब चीज़ कर रही है, तो अभी क्यों नहीं ये कर रही है? ये आम जनता का काम है। आज प्रशासन, आज इतने बड़े विधायक लोग हैं, सब लोग कोई दखल नहीं दे रहा है, अपना अपना चुनाव हुआ और जीत गए और घर पे अपने अपने बैठे, और अब प्रशासन भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और मेन मतलब प्रशासन ध्यान दे, रोड अगर नल का इतना प्रॉब्लम है, यहाँ पर हजारों नल है और नल का प्रॉब्लम है, खड्डा खोदते तो प्रशासन बोलते हैं कि खड्डा खोदा है, रोड खराब है, अभी ट्रैफिक हुआ, अभी इतना सब हुआ, गटर का प्रॉब्लम है, ये सब सॉल्व नहीं होता है क्या अधिकारी लोगों को? मेरा यही बोलना है माननीय आयुक्त साहब, अब वो विनंती करते हैं, अभी नई आयुक्त आए, आप आके विजिट करें और विजिट कर तुरंत इसका पूरा कार्रवाई करें और साफ सफाई करें, ये हम विनंती करते हैं। कहूँगा कि हम इधर नौकरी करने आते हैं सुबह से, अभी हमारे पास देखो, हमारा नौकरी करने का हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, माल रखते कपड़ा, उसमें पानी घुस गया, अभी हमारा कंपनी वाले ये बोलेंगे पैसा गया, कम ये देना पड़ेगा, इसका सबका क्लेम कहाँ से दूँ? हम लोग क्या कर सकते हैं? अभी सेठ लोग तो हमारे ऊपर छोड़ के गए, तुम लोग बचाओ, अभी हर चीज़ हम लोग क्या बचाएंगे? देख लो हमारा स्थिति कैसा है, हम लोग पर्दा डाल के पानी बाल्टी से निकाल के सब कुछ कर रहे हैं, सुबह 9 बजे से परेशान है, इधर चाय पीने को बंद है, होटल तक बंद है सब, और क्या बोलूँ? आप देख लीजिए, आप अपने आँखों से देख, यही पानी वजह होता है, सबको बंद करना पड़ता हम लोग को, बस यही सब वजह है, गड्ढा सही से साफ नहीं हुई है। धंधे पे इसका क्या फर्क है? इससे ये होता है कि माल महंगा हो जाता है ना, सब फेंकना पड़ जाता है, अभी और किसान लोग महंगा कर देती है, और क्या क्या समस्या होती है जब इस तरीके से भाई माल मिल बेचने की समस्या होती है, और क्या धंधे पे क्या फर्क पड़ता है इसका? बहुत फर्क पड़ता है, महंगे का माल रुक जाता है, खराब हो जाता है, नुकसान होता है। लोग यहाँ पे आप आते हैं या नहीं आप आते, उनको बहुत कम लोग आते, पानी भरी आता है तो वहीं से वहीं चले आते हैं, रिटायर यहाँ पे आता ही नहीं कोई, माल यहाँ पे महंगा हो जाता है और उसको उठा के फेंकना पड़ता है, वही की वजह से महंगा हो जाता है। टमाटर ये हर साल का है? हर साल का है, हर साल यहाँ पे, हर साल थोड़ी बारिश बरसात होती है क्या? थोड़ा भी बारिश होता है भर जाता है। अच्छा, अभी ये कितने देर तक ऐसे रहेगा? सुबह से है, अभी 1-2 घंटे 3 घंटे से जब तक बारिश होगी। आप लोगों ने कितने बजे से धंधा शुरू किया? धंधा हम लोग का रात 4:30 बजे 3:30 बजे 5 बजे से। और ये आलम कब से बना है बरसात का? ये आलम मतलब कल से ही बना है, कल से ही बना है, धंधा करने में तकलीफ हो रही है।